लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे और अब नजर देश दुनिया की खबरों पर। गुरुवार को मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आज पूरे दिन कुछ कुछ जगहों पर बादल छाए रहे। वहीं जबलपुर डिवीजन में देर रात बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही भोपाल में भी बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान और हरियाणा पर प्रेरक चक्रवात बन गए हैं। इन सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस तरह की स्थिति शुक्रवार तक बनी रह सकती है, इसके बाद मौसम साफ होने लगेगा। इसी के चलते ठंड का प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ऊपर जो है एक इंड्यूस आइसर बना हुआ है। इंड्यूस आइसर जो है अपना जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक इंड्यूस आइसर बन जाता है, उसकी वजह से बारिश भी हो सकती है और हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने में जो बारिश के लिए है वो है रीवा, शहडोल, जबलपुर, ये डिविजन्स हैं जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। मतलब कल भी हुई है और आज भी है, और अपने भोपाल में भी बारिश हो सकती है आज, और टेम्परेचर लगभग 10 के आसपास रहेगा, क्योंकि आसपास में कहीं पे हेल स्टॉर्म हो गया, जैसे कहीं पे बारिश हो गई है, तो ठंड भी उतनी ज़्यादा तो नहीं जाएगी क्योंकि अभी अपने ऊपर बादल है। बादल जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो ठंड एकदम तो नहीं जाएगी, पर 10 के आसपास टेम्परेचर बना रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।